दिया हमारी बींदड़ी को, पर अपनी बेटी समझ के नहीं, हाँ हमारी बींदड़ी समझ के ले जाना। खान पान का भी ध्यान रखना उसका, जो पहली जैसी बात तो रही नहीं, अब तो उसे जहाँ की आदत पड़ गई है। हाँ, जब तक दो चार गीली सब्जी, सूखी सब्जी, मीठे में एक दो चीज ना हो, खाना ना बने हमारे घर में, न दिन का न रात का। और ध्यान रहे, दुबड़ी करके मत भेजना हमारी भींदड़ी को हमारे घर वापस। अरे तब इसमें इतना उदास हो जाने की भी कोई बात ना है समधन साहब। माँ के हाथ की तो सूखी रोटी भी छोरियों को पकवान से कम ना लागे। आनंदी बेटा, तेरी दादी सा ने कहा है कि तू अपने माँ बापों के साथ जा सकती है। चरमर आ रही है जी बूढ़ी हड्डियां, आपके चूरमा बनावेगी इनका। दादी सर, आप इसे जाने दे रही हो? हाँ लाडे सर। तो क्यों पूछ रहा है तू, क्या बात है? अगर आंधी जाएगी तो मैं भी जाऊंगा उसके साथ, जैसे पिछली बार गया था। जान दो ना दादी सर। अरे तू क्या करेगा बिंदनी के पीहर जाके? अभी जाके, रात को नहीं आना है। अरे कुछ देर रहेगी जब वहां पे जाके, शांति से रहने देना इसे अपने माँ बापू के पास। अगर आनंदी चली जाएगी तो मेरा काम कौन करेगा? तारी माँ करेगी, पहले भी तो वही करती थी सब, है ना? और अब तो तारी ताई साहब भी आ गई है, कुछ दिन जी दोनों मिलकर संभाल लेंगे हमारे लाडे सर को। वो का मार नहीं ताई जी नहीं कर सकती ताई साहब। कौन सा काम बोल? जब मैं खेल के थक के आऊंगा तो मेरा पैर कौन दबाएगा? बड़ों से पैर दबाना अच्छा नहीं लगता ना। अरे इतने सारे नौकर चाकर हैं घर में, किसी से कह देना है? अभी से तारे को इतना लगा हो चला है अपनी बिंदड़ी से, आगे जाने क्या होगा। आगे चलकर जोरू का गुलाम बनेगा तू, हाँ जगदीशिया देख लेना। जगदीशिया मुझे पता है मेरे जाने से तो क्यों गुस्सा है, मैं चली जाऊंगी तो तेरा होमवर्क कौन करेगा, है ना? अरे जा रही है तो जाना, मेरे लिए भी अच्छा हो जाएगा, रोज कुछ ना कुछ मांगती रहती है, ये ला दो वो ला दो, छुट्टी मिल जाएगी तो खूब खेलूंगा दोस्तों के साथ। नहीं ताई जी, अब बिल्कुल भी उदास मत होना, मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगी। अब ढेर सारी कहानियां याद करके रखना, मैं आके सुनूंगी। हाँ जाऊंगी तो आपको रात में दूध कौन देगा? आप जब थक कर बाहर से वापस आऊंगी तो आपके पैर कौन दबाएगा?
तू चिंता मत करा नंदी, तेरी नई ताई जी है ना, वो तेरी दादी सा को दूध भी दे देंगे और उनके पैर भी दबा देंगे। साची सासू माँ, साची जा रही हूँ नहीं ताई जी, आपको मेरी याद आएगी ना? बहुत याद आएगी, लेकिन अब बिल्कुल भी मत रोना नहीं ताई जी। मैं जा रही हूँ तो क्या हुआ, और सब लोग तो है ना, सासू माँ है, दादी सा है, सुगना चीची भी है और जगदीश अब भी है, आपका मन लगा रहेगा। आपको कुछ भी चाहिए ना तो मेरी सासू माँ से कहना, वो बहुत अच्छी है। और आपको कुछ भी खाने का मन करे ना तो भी उनसे कहना, वो आपको बना के खिला देंगी, ठीक है? तू इन सब चीजों की चिंता मत कर, तो खुशी खुशी अपने माँ बाप के घर जाओ और जल्दी जल्दी लौट आना। सर हिलाने से काम ना चलेगा आनंदी, तुझे साची जल्दी वापस आना होगा। मैं साची में जल्दी आ जाऊंगी सासू माँ, अगर माँ बापू का मन ना भरेगा तो उन्हें भी साथ ले आऊंगी, ले आ सकती हूँ ना? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? आनंदी, अपने माँ बापू के घर जाकर हमें भूल तो ना जाएगी ना? ऐसे कैसे भूल जाऊंगी, आपको तो मैं सबसे ज्यादा याद करूंगी सासू माँ। जीजी, जगदीश कहाँ है? तुम्हारे जाने का सुनके मुंह बिगाड़ के न जाने कहाँ छुप गया। क्यों, मुझे छोड़ने भी नहीं आएगा वो? पता नहीं, लेकिन कह रहा था मेरी बिंदनी होकर जब आनंदी ने मुझसे जाने के लिए नहीं पूछा तो मैं क्यों उसे छोड़ने जाऊँ? कितने बहाने बनाता है वो सुगना जीजी, पर मुझे पता है, जानती हो वो क्यों गुस्सा होकर बैठा है? क्यों? अगर मैं चली जाऊंगी तो उसका होमवर्क कौन करेगा? नहीं आता तो मत आए, मैं भी जब लौट कर वापस आऊंगी ना तो उसका कोई भी काम ना करूंगी। ए छोरी, इतना बखत तो तूने अपनी विदाई में भी ना लगाया था, हैं? अब जा भी कि जही खड़ी खड़ी बिरला मिलाना करती रहेगी कल सुबह तक। अच्छा माजी साहब, अब आज्ञा दीजिए, शाम ढलने से पहले घर पहुंच जाए तो अच्छा होगा। हाँ, डिलीवर बस अड्डे तक छोड़ आवेगा आपको। नहीं माजी साहब, तकलीफ क्यों? एक बात समझ लो, हम नहीं चाहते कि हमारी बींदनी को कोई तकलीफ हो, ये बात है। समधी जी से कहिएगा कि उनसे बिना पूछे छोरी को अपने साथ ले जा रहे हैं, भूल क्षमा करें। अरे भैरों की मां ने कह दिया ना, तो बस बात खत्म, आप बिल्कुल भी चिंता ना करो। सुखी रहो। सौभाग्यवती रानी, सदा सुहागण रहे।
जी कह रहे थे आप आनंदी के पापू बार बार छोरी के सामने आएंगे तो वो हमें भूलेगी कैसे, नए घर में उसका मन कैसे लगेगा। मारी छोरी से दूर रहकर मारी आत्मा तड़पती रही, लेकिन आज अपनी तपस्या का फल देखकर मारे मन को ठंडक मिल गई। कितनी खुल मिल गई है ना हमारी लाड़ो सबसे। हमारे साथ आने में उसका मन दुखी हो रहा है, इसी में सबकी बड़ाई है भागो। हर माँ बाप यही तो चाहे छोरी सासरे में जाकर इतनी घुल मिल जाए कि उसे अपने पियर की याद ना है। जल्दी आना, तेरे माँ बापू तेरा इंतजार कर रहे हैं। चल लाडो। मक्खन सिंह जी, कैसे इतरा के जा रही अपने माँ बापों के साथ, लौट के आएगी ना तब भी बात नहीं करूंगा तुझसे। जा आज से तेरी मैंने कट्टी। चलो भाई आ गए घर, अब जितना लाड़ करना है कर ले छोरी का पागो। माँ मैं पुली के घर जा रही हूँ। लाड़ो रुक जा, पहले कुछ खा पी ले फिर चली जाना। वापस आके खाऊंगी, मेरे लिए गट्टे का साग बनाना। सुन मारी बात लाड़ो। अरे गणी का मजा किसा कम है। गणी आते आते कहाँ जा रही है, हमारे साथ बैठ के अपने सासरे की बात नहीं करेगी। अपने सासरे से भाग के तो नहीं आ गई ना? अरे नहीं काकी सा, माँ बापू के साथ आई हूँ, मैं भाग के नहीं आई, सासरे वालों ने खुद भेजा है मुझे। पुली, अरे सुन तो, पुली अंदर नहीं बाहर है। ओ आनंदी मैं यहाँ हूँ। पुली 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 कहाँ है तू? पुली पुली कहाँ है तू? घोड़े ने तो खड़े रहकर सास भी ना ली होगी, मैं तो सीधा तेरे घर आ गई। मुझे बहुत याद आ रही थी तेरी, पूछी मत कितने दिन रह रही है तू। अच्छा ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले तो ये बता तू कह रही थी ना कि मेरे सासरे आएगी, क्या हुआ? बस थोड़े दिन और, बापू को कुछ और पैसे जोड़ने हैं मकान मालिक को देने के लिए, फिर हम वहाँ जाएंगे। अच्छा चल हम तेरे कमरे में जाते हैं। चल जैसे पुष्पा की दादी सा कहानियों में बताती थी ना उतनी ही बड़ी हवेली है हमारी, ढेर सारे नौकर चाकर भी है। और जब वसंताऊ जी का ब्याह था ना तो मैंने इतने सारे कपड़े और गहने खरीदे कि पहनने का नंबर ही ना आया। साची? हाँ साची। और वहाँ कैसे सब? सब बहुत अच्छे हैं,
पता है दादी सा तो बहुत प्यारी है, वहाँ बड़ा मजा आता है। सुगना जीजी और मैं तो दिन भर खेलते हैं। पता है सुगना जीजी के पास इतना बड़ा बक्सा है सजने संवरने का। अरे मैं तो भूल ही गई। ये देख मैं क्या लाई हूँ तेरे लिए। से माँ देखेगी तो डांटेगी। तू जाने है ना, मैंने सजना सवरना मना है। तो क्या हुआ? तू रात में अपने कमरे में पहन ले और सुबह उतार देना, तो तेरी माँ को थोड़ी ना पता चलेगा। पूरी ना हो सके उन इच्छाओं को मिटा देना चाहिए, वरना वो जिंदगी भर कचोटती रहेंगी। तू क्यों रो रहे हैं माँ? नंदी, इन सबसे भोली का कोई लेना देना नहीं। फिर कभी ऐसी कोई चीज मत लाना जो मेरी छोरी के मन को ललचाए, उसे बार बार याद दिलाए कि वो भी धुआ है। जा बेटा जा। जो मासूम बच्ची दुल्हन बनने का मतलब भी नहीं जानती, वो विधवा होने का अर्थ कैसे समझेगी? For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.